दोस्तों कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए। अब कर्ण के अंतिम समय में तो भगवान शिव तक ने उसकी दान वीरता से खुश होकर उसे वरदान तक दिया, लेकिन आखिर कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि कर्ण आखिर सूर्य के पुत्र कहलाए कैसे। दरअसल कर्ण के सूर्य पुत्र कहलाने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। माना जाता है कि शूरसेन नाम का एक यदुवंशी राजा था जिसकी एक प्रथा नाम की पुत्री थी। शूरसेन की बुआ का पुत्र कुंती भोज था जिसकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने प्रथा का नाम कुंती रख दिया और आगे चलकर प्रथा कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब कुंती बाल्यावस्था से ही ऋषि और मुनियों की सेवा किया करती थी। अब एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकोगे। जो भी देवता इस मंत्र से तुम्हारे सामने प्रकट होंगे उसी देवता से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब कुंती ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह एकांत में छुपकर उसी मंत्र का उच्चारण करने लगी और सूर्यदेव का आह्वान किया। तब सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी बालक का नाम कर्ण था। कर्ण ने जन्म से ही तेजस्वी कुंडल व कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुमारी थी तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया था। इस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न होने के कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। अब दरअसल महाभारत की युद्ध भूमि में जब कर्ण अपनी मरणान अवस्था में अंतिम सांसें ले रहा था तब सूर्यदेव अपने दर्शन देते हैं और कहते हैं कि संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है या गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा हो जाए। और आज मेरे पुत्र कर्ण ने अपने पिता सूर्य का तेज कई गुना बढ़ा दिया है। मुझे गर्व है कर्ण कि तुम मेरे अंश हो। मैं वचन देता हूं कि संसार में जब तक मैं रहूंगा तुम्हारे सौर्य का तेज चमकेगा। ये कहकर सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।